हेलो दीदी, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। फ्लाइट आ गई है, सिंगापुर आ जा। हाँ दीदी, मैं भी इंडिया में रहना नहीं चाहता। यहाँ पे इतना कर्जा हो गया है कि उसे चुका नहीं सकता। बस इनकी बेटी को पटा के उससे शादी करके मैं भी सिंगापुर पहुँचता हूँ। अब तुम्हारा भाई इतना भी गया गुजरा नहीं है कि एक लड़की ना पटा सके। खूबसूरत है क्या? लड़की खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है दीदी। लगता है वो लोग आ गए, मैं बाद में फोन करता। मिसेस लिली चौबे, मिस्टर चौबे, राइट? क्या है बे? यू आर विकी? यस, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। क्यों लेने आया? न जान न पहचान लेने आया हूँ। क्या कर रहे हो? वो मेरी सहेली है ना शीला, सिंगापुर में। ये उसका भाई है, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर चौबे, और ये मेरी बेटी मधु। हेलो दीदी, ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को लेने आ गया। लेने आया था ना, अब जाओ। ये बड़े प्यार से लेने आया है। तो क्या करूं, चूमूं? अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए होटल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। चाय के लिए? हम लोग बनारस के लिए नहीं, नहीं, हमारा घर है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ, इस बहाने घर देख लोगे। ऑल राइट, दिस सूट्स मी, कूल विद मी, कम बेबी। अरे वाह दीनू गगा वाह, क्या सजा के साफ सुथरा रखा है मकान को, बहुत बढ़िया। आपकी अमानत है बाबूजी, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बहुत खूब। अच्छा हुआ अंकल आपने बंगला तब नहीं बेचा, बनारस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए। आप बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी, क्यों आंटी लिली? राइट यू विकी, ठीक है तो कह रहा है, अब हमारा इंडिया से वास्ता ही क्या है, इसे बेचकर चलते बनो। अरे अभी इस घर में कदम रखा नहीं, बेचने की बात पहले ही कर रही हो, समझा अपनी माँ को यार। रियली मम्मी, इट्स सो ब्यूटीफुल, मकान बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने गांव चलेंगे। गांव? तो ये क्या शहर है, मुझे गांव वाव नहीं जाना। ऐसी बात करती हो, इस धरती पर कदम रखते ही मुझे अपने गाँव की याद आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ बाहें फैला कर मुझे बुला रही हो, आ जा बेटा आ जा। यू इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। चलो ना मामा, मुझे भी गांव देखना है, हिंदी फिल्म्स में बहुत देखा है, वहाँ खेत हरियाली सच बहुत अच्छा लगता है, चलो ना प्लीज। ओके बेबी, तुम कहती हो तो मैं चलूंगी, मगर ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अरे तुम चलो तो सही, जब देखो ना 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 करती रहती, हमेशा ना अच्छा थोड़ी होता, सेहत खराब हो जाती है। अरे बहुत माफी चाहते है, क्या है कि आपका धक्का लग गया ना, इसलिए हम छलक के दिस साइड हो गए। क्या बात है, आप लोग शहर का रास्ता भूलकर गांव की तरफ कैसे? नहीं नहीं, गलती से नहीं, हम जानबूझ के यहाँ आए, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, हम तो अरे चौबे चाचा हैं। इलो, आप ही हो हमारे चौबे चाचा? अरे बचपन में हमको स्टोरी सुनाती थी कि हमारे कोई चाचा भाग कर सिंगापुर चले गए, वही हो आप? चला, चाचा के साथ साथ चाची के दर्शन भी हो गए, क्या बात है, नकवा पे रुमाल का है दबाया, लगता है इनका नाक बह रहा है। शट अप, तुम्हारे गांव की सड़ी हुई बदबू और सूखे सूखे धूल से बचने के लिए। अरे पूरे वर्ल्ड के बादर यहाँ पर शुद्ध हवा खाने आते हैं और अपना सर मुंडा मुंडा कर गंगा जी में गोता लगाते हैं, और इनको बदबू आ रही है, लगता है आंटी का एंटीना खराब है। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में आती है, मगर तुम्हारी चाची की हलक से नहीं उतर रही है। ये हलक हलक क्या लगा रखा है? वैसे मेरी बेटी को तुम्हारा गांव बहुत पसंद है। अरे तो हम लोग को भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। व्हाट? ए वंचला, चलो यार, अगर इनको माँ से मिला, हम जाके खेत पे काम कराते हैं। नहीं, तेरी माँ से हम मिल लेते हैं, तुम जरा बिटिया को गांव दिखाई देना। हां तो गांव का नहीं दिखाएंगे, अपना बच्चा दिखाते हैं। तेरा नाम क्या है? वंचला। इनको चलाओ ना। कहा है कि हम इस गाँव के सरपंच है ना, इसीलिए हमारी नमस्कार, देख रही है आप, इस गाँव में बहुत इज्जत है, कभी कभी कोई बदतमीजी करता है उसको हम ऐसे ही संभाल लेते हैं। ये हरियाली जो देख रही है ना, सब गंगा मैया की कृपा, ठीक है? अबे बहुत दिक्कत रहा है। अरे 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 एक बात और बताना भूल गए, ऊंच जमीन देख रही है ना आप? हाँ, ये यहाँ से लेकर हुआ तक सारी जमीन हमारी, और वो जो झील देख रही है ना आप, उसके परली तरफ की भी सारी जमीन हमारी है, इस तरफ सरसों के खेत, उधर गेहूँ के खेत। तब तो तुम्हें सारे वेजिटेबल्स एकदम ताजा मिलते होंगे। अरे एकदम शुद्ध और ताजा के। गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, हमें बचा लीजिए गोपी भैया। अरे चपनवा, चिपक जा गोपी के छतिया मार। चपनडुक, बात का है? गोपी भैया, ये गौरी है ना, रोज अपने जानवर हमारे खेत में भेज देता है चरने के लिए, जब हमने इसे मना किया तो धमकाता है, और देखिए हमने इसके जानवर निकाले तो मारने आ रहा है। क्यों बे कनकट, तुमको किसान की मेहनत की परवाह नहीं? ये लोग इतना परिश्रम करके फसल उगाते हैं, तुम चरने भेज देते हो? ए गोपी, ये क्यों हमारे बीच में ना पड़ा समझो तू, हमारे जानवर तुहार खेत में नजर आवेंगे। होश, गोपी को धमकी? अरे तुम्हारे जानवर तो जब आएंगे तब आएंगे, मगर एक जानवर तो हमको दिखाई दे रहा है। अरे चल तेरे भास का तपरा अरे कबे अबे अरे 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 मधुबाला, अरे हट, तो ऐसी की तैसी, अरे हट, अरे ओ मधुबाला, अरे कहां तूफान की तरफ ले जा रही हो, अरे संभल के रे, अरे थोड़ा पकड़ो यार, कहां हो रहा यार, अरे 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 इसकी ऐसी की तैसी इज्जत चली गई यार।
अरे अरे मधुबाला का कर दिया ये सब। अरे ठीक तो हो? अरे मधुबाला गांव की इज्जत चलेगी। चलो ये देखो क्या हो गया, ये तंग कपड़े पहना ना इसलिए घोड़ा भी दग गया। ये हमारे कपड़े का फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे घोड़े का फॉल्ट है। ओए, हमारे घोड़े को दोष मत दो। इतना तंग कपड़ा पहनोगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हिल जाएंगे। ये तो बेचारा मामूली घोड़ा है। हाँ, अब ये कपड़ा कैसे साफ होगा, ऊपर से इतनी देर हो गई है। अच्छा ऐसे बोल रहे जैसे बहुत बड़ी साड़ी पहने हुई हो। अरे एक मिनट में सूख जाएगा, रुमाल की तरह तो कपड़ा पहने हुई हो। अरे उठो उठो। यार सिंगापुर जाते वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि वापसी में अपने दोस्त से कभी मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हम उसके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल भी ना हो सके। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है भाई साहब। आइए चाचा जी, नाश्ता कर लीजिए। आइए भाई साहब आइए। ये राधा है, अपने किशन मास्टर की बेटी। अच्छा, अरे कैसा है किशन वा? जी अच्छे हैं। घर का सारा काम यही संभालती है। अच्छा। यूं मान लीजिए मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है इसने। अरे जीती रहो बेटी। कभी अपनी बेटी को भी तो याद कर लो, इतनी देर हुई गई है अभी तक आई नहीं। चिंता की क्या बात है, गोपी है ना साथ में। इसी बात की तो चिंता है, गोपी है ना साथ में। अरे राधा जी आई। राधा रे उतारो ना मुझे। अरे तुम उतरो ना। उतारो ना। कैसी गाड़ी है, कितनी भारी है। जले के जा रहे। अरे ऐसे कैसे अंदर जा रही हो तुम? क्या होगा, अंदर जाके धो लूंगी। अरे नहीं नहीं, हमारा घर मंदिर है भैया, पाँव धो लो और ये जूता उतार लो। ए राधा जी। अरे पानी ला रहे। अभी लाई। धो लो चलो। हाय मम्मी। हाय डैडी। ओ माय गॉड, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? वो मैं कीचड़ में गिर गई थी, गोपी ने मुझे गोदी में उठाकर बाहर निकाला। गोदी में उठाया? अरे वाह बेटी, कीचड़ में गिर गई तो झटका नहीं लगा, उसने गोद में उठा लिया तो करंट मार गया। डैडी, गोपी की गांव में बहुत इज्जत है, सारा गांव गोपी को झुक झुक कर सलाम करता है, और जगह तो इतनी है पूरा सिंगापुर आ जाए। तू हाँ हाँ घूमने चली गई, इस खेड़े गांव में देखने लायक है ही क्या? क्या है देखने लायक? अरे बड़ों के लिए इज्जत है जो दे रहा हूँ, मेहमान नवाजी है। हाँ देख ली तुम्हारी मेहमान नवाजी, मेरी फूल जैसी बेटी को कीचड़ में गिरा दिया। फूल जैसी बेटी, ये फूल है? इतनी भारी भर का मौलाद पैदा कर दिया चाचू, ये बोलती है फूल। अरे नजर मत लगा, उतार मेरी बेटी को। तो क्या कर रहे हो, उतार इसे। ये कह रही है कि ये फूल है, फ्लावर पार्ट है। बहन जी अब आप खाना खाकर ही जाइए। नो नो, आई डोंट लाइक इंडियन फूड। अरे चलिए ना। ए चाची गले मिलबू। बाय गोपी। गोपी चल। आंटी देखिए और बताइए कि आपको यह हार कैसा लगा। वंडरफुल। मैंने यह हार स्पेशल कारीगरों से स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल मम्मी। मधु बेटी विक्की तुम्हारे लिए लाया है। थैंक यू। वेलकम। कैन आई वेयर इट? ऑफ कोर्स, इट्स ऑल योर्स। मैं अभी आई। ओके आंटी, मधु को हार तो पसंद आ गया है। हाँ बिल्कुल। विक्की बेटे हमारे यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दो और साथ में पंडित का भी बंदोबस्त कर दो, मैं तुम लोगों की शादी कल ही कर दूंगी। जैसी आपकी आज्ञा आंटी, चलता हूं। जीते रहो। सुनो ये किसकी शादी की बात कर रही थी तुम? नो सुनो, कहानी खत्म हो गई और जनाब पूछ रहे हैं हीरो हीरोइन कौन थे। अपनी मधु बेटी की शादी विक्की के साथ। एक बात बताओ, ये मैं कौन हूँ? What a silly question. फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Oh, I see. तुम मेरे हस्बैंड मिस्टर चौबे और मधु के डैडी हो। चलो शुक्रिया, तुम्हें याद तो है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मधु का बाप हूँ, तो क्या इस नाते मेरा इतना भी हक नहीं होता कि मुझसे सिर्फ पूछ ही लो कि तुम इसकी शादी कर रही हो? अरे बेकार में क्यों लाल पीले हो रहे हो, विक्की से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अपनी शीला का भाई है, इंडिया छोड़कर सिंगापुर चलने के लिए तैयार है। सिंगापुर जाने के लिए मोटा हलवाई भी तैयार है, उसे भी ले जाओ ना। ओफो अब छोड़ो भी, मार्केट चलो, बहुत सारी खरीदारी करनी है। खुद ही जाके करो, जब ये कर रही हो तो मेरी क्या जरूरत है खरीदारी के लिए। Why are you sulking so much? Sulking. तो भी बेटा, अब तेरा ही सहारा इस घर की डूबती नैया को बचाने का। प्लीज बेटा।